हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपके लिए के आई हूँ बहुत स्पेशल सरप्राइज। तो आप मुझे आज मैं आपके लिए एक काम छोड़ने वाली हूँ कि मुझे आप इसका नाम बताएंगे। ये एक इंडोर प्लांट है, पानी बहुत 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 कम चाहिए इसको। तो ये मैंने दो लाई हूँ पेयर में। इंडोर में इसको लगाने में बड़ा सुंदर सा लगेगा, आउटडोर में भी लगा सकते हैं बट इंडोर में अच्छा लगेगा। तो मैं ये पॉट हैंगिंग पॉट थे बट मैं इसको एज एन हैंगिंग नहीं यूज़ करूँगी, प्लास्टिक के हैं तो सेम कलर्स के इंडोर में रखूँगी तो बहुत प्यारे से लगेंगे। तो मिट्टी तैयार करते हैं इसके लिए हम लोग। तो ये देखो बिल्कुल लुकिंग जो है इसकी ऐसे लग रही है प्लास्टिक सब। तो अब मैं ये काम है आज आपके लिए कि मेरे को कमेंट बॉक्स में आप इस प्लांट का नाम बताएंगे। इट्स अ सो ब्यूटीफुल एंड क्यूटी पाई। तो मैं इसका मिट्टी तैयार कर रही हूँ। मिट्टी में क्या होगा इसका, हम थोड़ा सा सैंड होगा और थोड़ा ये गार्डनिंग मिट्टी है, ठीक है। मैंने इसमें थोड़ा खाद भी डाली है तो हम इसको ऐसे तैयार कर लेते हैं। तो मैं इसको दो पॉट में लगा रही हूँ, आप देख रहे होंगे थोड़ा। तो जैसे हम इसको अलग किया है मैंने, आप स्टार्टिंग में हमने ध्यान दिया होगा कि जो प्लास्टिक बैग होता है उसको मैंने फाड़ा है, ऐसे काटा वाटा नहीं है क्योंकि जड़ वड़ ना निकल जाए इसलिए। तो आराम से काट लिया है। अब इसमें आप देख लीजिए मिट्टी कैसे मैंने लगाया है। इतना रखने के बाद नीचे थोड़ा नीचे बेस में मैंने मिट्टी लगाई। अब इसको देखिए दूसरे वाला जो है इसी के साथ वाला, इसको मैं कैसे तैयार कर रही हूँ। सिर्फ ऐसे पन्नी पन्नी वैसे होती है, हाथ से ही फट जाती है। हल्की से साइड साइड से मिट्टी हटा लेंगे, नॉर्मली ये ऐसे रख सकते हैं ना। तो आप देख ही रहे होंगे है ना, यहाँ पर ऐसे ना ये ऐसे लग रहा है। लुकिंग जो इसकी है एज इन बॉन्जाई टाइप है, बॉन्जाई प्लांट उसकी जैसे। तो हाय फ्रेंड्स, आप मेरे को एक कमेंट्स में एक चीज़ और बता सकते हैं कि मेरी बालकनी गार्डनिंग कैसी लग रही है। आप बेस में देख रहे होंगे ऐसे ना, पीछे बैकग्राउंड में दिख रही होगी मेरी बालकनी। अभी पूरा व्यवस्थित नहीं हो क्योंकि मैं अभी बाहर थी कुछ दिन से, तो पूरा ऐसे अरेंजमेंट ठीक नहीं हो रखा है बट देख सकते हैं। तो इनको टाइम टू टाइम मैं धूप में फिर अंदर तो बाहर ऐसे रखती रहती हूँ जिसको जैसी ज़रूरत होती है। इसकी मिट्टी थोड़ा सूखी सूखी सी है तो सूखी ही मिट्टी डालनी है मुझे इसके साथ। ये देखिए मैं आपको कैमरा सेट करके दिखाती हूँ कितना इसके बेस में रखा है।